द क्वेश्चन गिवन इज इन ट्राइंगल ए बी सी टू आर स्क्वेयर साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू. तो हमें गिवन है टू आर स्क्वेयर साइन ए साइन बी साइन सी. तो हमें पता है साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी डैट इज इक्वल टू टू आर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर इंटू साइन ए को अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा a अपॉन 2r इंटू बी को करें तो ये हो जाएगा b अपॉन 2r इंटू साइन सी एज इट इज रहने देते हैं. तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल तो ये हो जाएगा हाफ ए बी साइन सी. अब अगर हम कोई ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये हमारा एक ट्राइंगल है, दिस इज एंगल ए बी सी और ये है लेंथ ए, ये है बी और ये है सी. तो इस एरिया का ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया दैट इज डेल्टा, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू एंगल कंटेनिंग देम. तो ये कितना हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल. तो हमारा आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज ऑप्शन 3. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन.